हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स। में हमने लेसन स्टार्ट किया डाटा हैंडलिंग। अब इसमें इसके पहले हमने एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन 7 तक सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ये एक्सरसाइज है कोडवा के बुक से। उसके पहले बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आपको बताया कि जो कार्ड्स है, कभी आपने समर सीजन में या दिवाली के हॉलीडेज में हो सकता है अपने अपने फैमिली के साथ कभी कार्ड्स खेले हो, ठीक है। तो आपको पता होना कि कार्ड्स में मतलब एक जो पैक ऑफ कार्ड होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जिसमें एक एस होता है यानी इक्का जिसको बोलते हैं, फिर एक जैक होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है, और फिर 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स के कार्ड होते हैं, ठीक है। तो इनमें अब हार्ट होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, ठीक है। क्या क्या होता है? हार्ट जो क्विज चेक कर लेता है इस शेप का, फिर रहता है डायमंड, डायमंड का शेप इस तरह के रहता है, फिर होता है क्लब, क्लब किस तरह से इस तरह से होते हैं क्लब, ठीक है। और फिर आता है स्पेड, और स्पेड होता है इस तरह के, ठीक है। अब इसमें ये हार्ट और डायमंड जो है ये होते हैं रेड कलर्स के, और क्लब और स्पेड जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। हर एक प्रकार के 13 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे 5 एग्जाम्पल पूछे है, हम इस 5 कंडीशंस में प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब उसके पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सो देयर आर 52 कार्ड्स, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। अब ये जो 52 कार्ड्स है ये किस तरह से होते हैं, जिसमें होते हैं हार्ट, दैट इज लिखेंगे हम हार्ट होते हैं कौन से कलर के, रेड कलर, रेड कलर्ड, और वो कितने होते हैं, वो होते हैं 30। फिर होते हैं डायमंड, डायमंड कितने होते हैं, डायमंड भी रेड कलर के होते हैं, रेड कलर्ड, और वो कितने होते हैं, वो भी होते हैं 30। हर प्रकार के 13 कार्ड्स होते हैं। फिर लिखेंगे क्लब, क्लब कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर्ड, ब्लैक कलर्ड, और वो कितने होते हैं, वो होते हैं 30। फिर क्लब के बाद आते हैं स्पेड। अब स्पेड कितने होते हैं, स्पेड भी ब्लैक कलर के होते हैं, सो राइट हियर ब्लैक कलर, और वो कितने होते हैं, वो भी होते हैं 30। इस तरह से पहले हमें इसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब ये तो हो गई इंफॉर्मेशन, अब हम जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसकी वो देखेंगे। पहले है अ क्वीन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्ड्स पे एक एस होता है, एस, फिर होता है एस यानी जिसको हम इक्का बोलते हैं, वन नंबर वाला, फिर जैक होता है, जैक यानी जिसपे जे लिखा रहता है, ठीक है, वो होते हैं, और फिर होता है क्वीन, ठीक है, और फिर होता है किंग, ठीक है। तो हर एक चार चार प्रकार के होते हैं, मतलब एस 4 रहेंगे, जैक 4, क्वीन 4, किंग 4, और ये चार कलर्स के होते हैं, मतलब एस हार्ट कलर का, डायमंड कलर का, क्लब क्लब और स्पेड, इस तरह से। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ क्वीन। अब क्वीन कितने होते हैं, क्वीन 4 होते हैं, तो जो पॉसिबल जो आउटकम्स है वो 4 रहेंगे। सो राइट हियर नंबर ऑफ क्वींस इन अ, नंबर ऑफ क्वीन इन अ पैक इज 4, तो पॉसिबल जो आउटकम्स है वो 4 रहेंगे। Therefore, possible outcomes equal to, possible outcomes equal to हो गए 4, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो तो 52 है, जितने कार्ड्स है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। Therefore, we'll write here टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू है 52। इसको हम पॉसिबल आउटकम्स या नंबर ऑफ सक्सेस भी कह सकते हैं। So, we will write probability. Therefore, probability of getting
क्वीन। अब प्रोबेबिलिटी का हमें फार्मूला पता है, नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने यहाँ पे 4 है और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है। अब इसको डिवाइड करो तो यू विल गेट हियर 1/13। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर सेकंड है ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक की हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब एक पैक में कितने पैक ऑफ कार्ड्स में कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, एक तो क्लब शेप के और स्पेयर शेप के, मतलब टोटल मिलाकर हो गए 26। क्लब 13 होते हैं और स्पेयर 13 होते हैं, दोनों ब्लैक कलर्ड होते हैं, तो कितने हो गए 26। सो राइट हियर देयर आर क्लब एंड स्पेयर्स आर ब्लैक इन अ पैक ऑफ कार्ड। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, क्लब होते 36, नंबर ऑफ क्लब इज इक्वल टू 13 एंड नंबर ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 13। ठीक है, सो टोटल जो सक्सेसेस हो गए वो कितने हो गए 26। देयरफॉर यू राइट हियर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू हो गए 13 + 13, दैट इज इक्वल टू 26। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो तो 52 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू है 52। देयरफॉर यू राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक इज इक्वल टू, फार्मूला वही है, नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हैं 26, नंबर ऑफ आउटकम्स है 52। अब इसको डिवाइड करो 26 × 26, 26 × 52। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/2। अब देखते हैं नंबर थ्री में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट इज आइदर रेड कार्ड और अ किंग। या तो रेड कार्ड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए। अब टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल रेड कार्ड होते हैं 26, 13 होते हैं हार्ट के और 13 होते हैं डायमंड के। अब किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं 4। अब इसमें से देखोगे आप तो 26 कार्ड में 4 किंग होते हैं, है ना। अब 4 किंग होते हैं तो उसमें से 2 होते हैं रेड कलर के और 2 किंग होते हैं ब्लैक कलर के। तो किंग होना चाहिए लेकिन कौन से कलर का, रेड कलर का। तो इसमें जो पॉसिबल जो आउटकम्स है वो कितना रहेगा, वो पहले पे हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो रेड कार्ड कितने होते हैं 4 और किंग कितने होते हैं 4। तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हो जाएंगे 28, मतलब किंग भी रेड होने चाहिए। तो दो रेड कलर के किंग होते हैं, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, और टोटल जो रेड कार्ड है वो होते हैं 26। ठीक है, तो इसकी जो ये बनेगी, क्या बोलते हैं उसको, पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो हो जाएंगे 28। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर 26 रेड कार्ड्स एंड 2 रेड किंग इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ तक तो समझ गए आपको। तो जो टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस, देयरफॉर राइट हियर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू हो गए ये 26 कार्ड प्लस 2 कार्ड, दैट इज इक्वल टू 28 कार्ड्स। ओके, अब हमें फाइंड करने हैं प्रोबेबिलिटी। अब टोटल जो आउटकम्स है वो तो हम लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू हो गए 52। देयरफॉर वी राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर रेड और किंग इज इक्वल टू। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हैं, वो तो हो गए हमारे 28 अपॉन हो गया 52। अब दोनों 4 से डिवाइड होता है, 4 7 = 28
और 4 13 52, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 7/13। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में हमें क्या पूछा है, नंबर 4 में हमें यहाँ पे पूछा है और 3 ऑफ हार्ट। अब ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें 3 लिखा आता है और हार्ट कितने 3 रहते हैं तो 4 रहते हैं, ठीक है, सॉरी हार्ट तो वैसे एक ही रहेगा। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेंगी वो बनेंगे 1/52, क्योंकि हार्ट शेप का जो 3 होता है वो तो एक ही रहता है। सो राइट हियर देयर आर ओनली वन 3 ऑफ हार्ट इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो तो एक ही रहेगा। देयरफॉर राइट हियर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारे 52, ठीक है। सो राइट हियर फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, देयरफॉर राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑफ हार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ सक्सेस 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है, तो 1/52 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 में क्या पूछा है हमें, अ क्लब। अब टोटल क्लब कितने होते हैं, 13 होते हैं, है ना, एक एस, जैक, क्वीन और किंग, और फिर 2 से लेकर 9-10 तक के नंबर्स के कार्ड, टोटल होते हैं 13। सो दैट हियर देयर आर 13 क्लब इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। अब इसको जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है वो हो जाएंगे 13, देयरफॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू हो गए 13, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 52, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू है 52। देयरफॉर फाइंड नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हैं 13, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52, 13 से डिवाइड करो 13 1 जा 13 4 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो इस तरह से हमें अगर कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जरूर एक बार वो पैक ऑफ कार्ड्स देखो और उसकी थोड़ा स्टडी करो। ओके।